ये जो नेताजी हैं, इन्होंने आपके लिए क्या किया है? अरे नेताजी तो हमारे लिए भगवान है भैया। अच्छा, उन्होंने हमारे घर की इज्जत बचाई है। इज्जत बचाई मतलब कोई ऐसे कुछ लूट रहता है या कुछ हो रहा था क्या, कैसे बचाई है? हमारे घर में जो टॉयलेट है ना, उनमें दरवाजे नहीं है, तो हमने क्या किया, नेताजी का झंडा लेके लगाई दिया। आपको क्या लगता है, नेताजी के राज में कभी आपको रोजगार मिला है? ऐसा कुछ मिला तो नहीं है, लेकिन एक बार हम अपना दोस्त का जबरदस्ती ले लिए थे। अरे यार कैसा युवा है, हम रोजगार की बात कर रहे हैं यार, कैसा आदमी है ये। और लेकिन एक ही शिकायत है नेताजी से। क्या? वो जो झंडा है ना, वो भी लो क्वालिटी का है, तो आर पार थोड़ा दिखता है। तो क्वालिटी बढ़ाने की डिमांड है आपकी? हाँ, क्वालिटी बढ़ाने की। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मैं मतलब नेताजी के साथ आप रहते पीछे पीछे, इससे क्या फायदा क्या मिलता है आपको? यही कि छोटा मोटा हम कहीं दंगा कर देते हैं तो नेताजी फोन कर देते हैं, थाने में छुटवा देते हैं हमें। और कोई ट्रैफिक लाइट वाले पे मतलब कि कोई हमने क्रॉस कर दिया तो नेताजी है हमारे पीछे। मतलब सरकारी जैसी की मुहिम आती है हाँ। तो सबसे पहले उसका लाभ हम ही उठाते। बात तो सही है। अब दो कैमरे जो लगने आए थे अगलियों में, सबसे पहले हमारे घर पे लगा। लेकिन ये कैमरे तो वारदात वगैरह रोक मतलब पकड़ने के लिए होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन ऐसा मुझे लगता है कि वारदात आप ही लोग करते हैं। अरे जाइए ना। तो ये देख लीजिए, जो स्कीमें आती हैं यहाँ पर तो सबसे पहले कार्यकर्ता के घरों पे ही आती हैं, जो वहाँ लग जाती हैं, आम जनता तक पहुँच ही नहीं पाती भाई साहब। और कोई डिमांड नहीं है कि सड़क बन जाए, पानी बन जाए, रोड आ जाए, ऐसा कुछ? अरे नहीं, अब गांव वालों के लिए थोड़ा रहता तो ठीक है। तो जनता को भी पता है, नेता ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, रोड तो बस झंडे की क्वालिटी बढ़ा सकता है।